हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल और मैं हूं सारिका। वैसे अभी सुबह के 8:45 बजे है एंड मेरा सब कुछ सुबह का जो जितना रूटीन था मतलब तो जितना भी काम होता है वो पूरा हो चुका है। जैसे कि सोरा का टिफिन हो, उसका चाय मतलब सॉरी मेरा चाय, उसका दूध, सब कुछ वो हो गया है। एंड अभी मैं जा रही हूँ स्वरा को फिलहाल ड्रॉप करने एंड तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ आलू पालक, जिसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाला है एंड ये 2 बड़े मीडियम साइज़ के मैंने ये आलू लिए हैं एंड जीरा का तड़का दिया। ये देखिए, पहले तेल डाल के फिर जीरा डाला है, जीरा के बाद मैंने इसमें ये आलू डाले हैं। दो आलू हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, तो जो हमारे आलू है ना, ये आलू हम अच्छे से इसे सॉटे कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया पाउडर बस। अगर हरी धनिया पाउडर नहीं है मतलब कोरिएंडर पाउडर नहीं है तो इसमें हम लोग सिर्फ कोरिएंडर लीफ डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। ये इसलिए मैं ब्राउन करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करती हूँ, क्योंकि बाद में ऐसे पनीर टाइप में ये अच्छा लगता है। बाद पालक जो है ना वो ज़्यादा पक नहीं जाता है, क्योंकि आलू पकने में और पालक पकने में बहुत अलग अलग टाइमिंग होता है उसका। आलू पकने में ज़्यादा वक्त लेता है एंड पालक जैसे ऑयल में भी फ्राई होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे एक साइड के आलू पक चुके हैं उन्हें मैं पलट पलट के फिर बाद में ब्राउन करने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए लगभग हमारे आलू सारे पक के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये महाशय यहाँ छुपे हैं, यहाँ पर भी देखिए। ट्रस्ट में गाइस, ये आलू एंड पालक की सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी एंड इतनी यम्मी लगती है, सच में डिलीशियस, लवली, मुझे तो बहुत पसंद है। यह हमारे आलू जो है वो अच्छे से ऑयल में फ्राई हो गए। अभी हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज का एक टोमेटो। Thank you.
ये टोमेटो में मैंने एक चम्मच नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। एंड ये थोड़ी सी हींग है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड ये थोड़ी सी हल्दी, हल्दी से बहुत ही बढ़िया कलर आता है, लवली। देखिए तो अभी हम ज़्यादा टाइम ना लेते इसमें पालक डाल देते। ये रहा मेरा पालक, एक जोड़ी पालक लिए है मैंने। ये एंड गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने जो ये आज सब्ज़ी बनाई है, ये सब्ज़ी में मैंने ना ही गार्लिक यूज़ किया है ना ही आनियन, क्योंकि ये पूजा के लिए सब्ज़ी चाहिए ना शाम को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आज थर्सडे है एंड थर्सडे को मेरा व्रत रहता है गुरुवार का, तो उसके लिए अनियन या फिर गार्लिक नहीं चलता है। अगर आप चाहें तो इसमें अनियन का भी तड़का दे सकते हैं, गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं खुद कह रही हूँ ट्रस्ट में, मतलब ये सब्ज़ी में अनियन भी एंड गार्लिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि मेरे फास्ट जो है तो इसके लिए आज ये अनियन गार्लिक नहीं चलेगा, इसलिए तो आप लोग चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। एंड गाइस टडाइंग, ये है हमारा आज का डिनर, पालक आलू की सब्ज़ी। ये सुबह की खिचड़ी है जो मैंने स्वरा के लिए बनाई थी, ये मैं खाऊंगी, उसे नहीं दूंगी अभी। तो मैडम ये आलू की सब्ज़ी एंड ये सॉरी आलू पालक की सब्ज़ी एंड रोटी खाएगी वो, जो मैंने उसके लिए बनाई है। एंड यहाँ पे ये मिर्ची जो होती है ना उसका मैंने बनाया है, हरी मिर्च का, हरी मिर्च, लहसुन, मूंगफली एंड जीरा का तड़का दिया है इसको। एंड ये कुछ सलाद में गाजर है एंड ये टोमेटो है। तो ये है हमारा आज का डिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आलू की सब्ज़ी कैसी बनी थी मेरी। ये देखिए, ये सुबह की मेरी ये बची हुई खिचड़ी है जो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ खाना। एंड ये देखिए, ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा ही बनाया था, कल बनाया था ये, एक्चुअली आज नहीं बनाया मैंने, कल बनाया था। जो मैंने वहाँ पर जो हरी मिर्च का लिया है ना, महाराष्ट्र में उसे ठेचा बोलते हैं। एंड ये है मेरी बची हुई सब्ज़ी जिसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर दिया है। एंड ये है स्वरा की डिश जिसमें ये मैं स्किप कर दूँगी, उसको नहीं दूँगी, मतलब उसकी जो डिश है ना उसकी डिश में मैं बस उसे ये सब्ज़ी एंड रोटी दे दूँगी। तो ये डिश है ना तो ये मैं ले लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं डिनर, तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ अभी और क्या बोलूँ मैं, अभी उसको मेडिसिन वगैरह दिया, वो सो रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हो सके तो कल एक आध उसका मतलब वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि उसे तो बहुत अच्छा लगता है अभी तो फिलहाल। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, टेक केयर, तेरे बाय।